तो जनरल सर्जरी में वेरिकोस वेन की नोड्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, है ना। सो वेरिकोस वेन के डेफिनेशन की बात करें, फिर होता क्या है इसकी बात करें, तो डायलेटेड या फिर टॉर्चुअस सुपरफिशियल वेन्स हैं यार हमारे पास ये, डायलेटेड एंड टॉर्चुअस सुपरफिशियल वेन है ना। जनरली ये ग्रेट सिफेलिक वेन एंड स्मॉल सिफेलिक वेन जो होते हैं वो टॉर्चर्स रहते हैं लिम के अंदर। सो जो सुपरफिशियल वेन्स होते हैं वो डीप वेन से कनेक्टेड होते हैं यार, सुपरफिशियल वेन्स जो हैं वो डीप वेन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास वॉल्व्स होते हैं यार, है ना। ये जो नॉर्मल वेन्स ऐसे रहेंगे, लेकिन हमारे पास वेरिकोस वेन में क्या हो जाते हैं, ये डायलेटेड या फिर टॉर्चर्स रहते हैं इस प्रकार से। तो ब्लड जो है वो कहाँ से रहता है, पीछे के साइड, टॉर्चर्स वेन साइड, तो ये वेरिकोस वेन हो जाता है। इट्रोलॉजी की बात करें तो कर्ज में हमारे पास मेन दो होते हैं, एक प्राइमरी कर्ज होता है, एक सेकेंडरी कर्ज होता है यार। प्राइमरी में कौन जेनेटल डिफेक्ट अगर है हमारे पास ना, कौन जेनेटल डिफेक्ट इन्वॉल्व्स, या फिर अगर कॉन्जेनाइटल एब्सेंस देखने को मिलता है, कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ वॉल्व्स, तो वेरिकोस वेन देखने को मिल सकता है। सेकेंडरी में हमारे पास अगर प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो कि किस में देखने को मिल सकता है यार, प्रेगनेंसी के समय, है ना, जो कि हमको किस में देखने को मिल सकता है, ट्यूमर्स के समय, है ना, SIT के केसेस में देखने को मिल सकता है ना, इलियक वेन थ्रोम्बोसिस में देखने को मिल सकता है यार, प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन जिससे वो वेरिकोस वेन हो सकता है, अगर डिस्ट्रक्शन हो गया ऑफ वॉल्स, जो कि जनरली हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देखने को मिलता है, उस केस में भी हमारे पास वेरिकोस वेन हो सकता है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के केस में हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, प्रेगनेंसी केस में डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है, ओबेसिटी केस में डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है यार। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या देखने को मिला, तो हमने बोला डायलेटेड एंड टॉर्चुअस वेन देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पे डल एकिंग पेन देखने को मिलता है यार, क्रोना फ्लेबेटिका देखने को मिल सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैल्यूलर फ्लेस फ्लेयर भी बोलते हैं इसको, है ना। जहाँ पे क्या होता है यार, एट्रोफिक ब्लांच देखने को मिलते हैं ना। एट्रोफिक ब्लांच मतलब क्या है, दिस आर दी डीपिगमेंटेड और डीपिगमेंटेशन एरिया सराउंडेड बाय थ्रेड और थ्रेडी वेन, इसमें सपोज कर ये पैर है तो ऐसे देखने को मिलता है, थ्रेडी वेन्स जो होते हैं डीपिगमेंटेड एरिया के बाहर में देखने को मिलते हैं। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए यार। नाउ इन्वेस्टिगेशन मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास डुप्लेक्स यूएसजी कर सकते हैं, डुप्लेक्स सोनोग्राफी है विच इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, है ना, एंड वीनोग्राफी कर सकते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर
मौरी से कफ इंपल्स चेक करेंगे, मौरी से कफ इंपल्स, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को हम बोलते हैं आस्क द पेशेंट टू कफ, है ना, जिसके बाद अगर इफ कफ इंपल्स आर फेल्ट इन दी स्फिनोफ्यूमरल जंक्शन, अगर कफ इंपल्स जो है, इफ कफ इंपल्स फेल्ट एट स्फिनोफ्यूमरल जंक्शन, सो स्फिनोफ्यूमरल जंक्शन जो है वो इनकम्पिटेंट है, इनकम्पिटेंस है, इसीलिए हमारे पास समझ आता है कि हमारे पास वीरिकोज भी हो सकता है। दूसरा जो ट्रेड है वो क्या है, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, पेशेंट लाई डाउन एंड लिफ्ट दी लेग, है ना, अगर एम्प्टी लेग होना चाहिए, एंड टाई करेंगे क्या, टॉर्निक्वेट, कहाँ पे, बिलो दी स्फिनोफ्यूमरल जंक्शन, एंड पेशेंट को आस्क करेंगे, बोलेंगे कि देखो स्टैंड अप हो, पेशेंट आस्क पेशेंट टू स्टैंड अप, जब हम टॉर्निक्वेट को ओपन करेंगे तो अगर रैपिड फीलिंग हो रही है फ्रॉम एबव, तो स्फिनोफ्यूमरल जंक्शन क्या है, इनकम्पिटेंस है, इनकम्पिटेंट है। अगर जब टर्निकोएट को ओपन नहीं करते तो ग्रेजुअल फीलिंग होगी, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम बिलो एबव, तो हम बोलेंगे कि परफोरेटर इनकॉम्पिटेंस है। तो हमें जो टेस्ट की बात की, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट की बात की, एंड मॉरिसन और मॉरिसे कफ रिफ्लेक्स की बात की, एक है स्वार्ट्स टेस्ट, ओके। तीसरा जो टेस्ट है वो क्या है यार, स्वॉस टेस्ट। स्वॉस टेस्ट में हम क्या करते हैं, टैप करते हैं, टैप ओवर व्हाट, टैप ओवर इनकम्पिटेंट, टैप ओवर इनकम्पिटेंट वेन, अगर थ्रिल जो है ना, इफ थ्रिल इज फेल्ट एट दी स्फिनोफ्यूमरल जंक्शन, मतलब स्फिनोफ्यूमरल जंक्शन क्या है, इनकम्पिटेंस है, बिकॉज हमको पहले इनकम्पिटेंस किस लेवल पे वो समझना जरूरी है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टेस्ट है यार, पार्टीज टेस्ट, ठीक है। इस पार्टीज टेस्ट में क्या करते हैं, है ना, यहाँ पे टर्निकेट को बांधते हैं, यहाँ पे भी कहाँ पे, बिलो दी स्फिनोफ्यूमरल जंक्शन, एंड पेपर को बोलते हैं आस दी पेशेंट टू वॉक, पेशेंट को चलने के लिए बोलेंगे, एंड जो अगर स्वेलिंग है, अगर वो स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो जा रही है ना, अगर स्वेलिंग कम हो जा रही है तो ये नॉर्मल है, बट स्वेलिंग अगर इंक्रीज हो जा रही है तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है ना। नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे यार, पहले तो मैंने बोला ना, हमको पता करना है कि इनकम्पिटेंस कहाँ पे है उस लेवल पे, अगर जी एस वी, ग्रेट सिफेनिक वेस स्मॉल फ्यूमरल जंक्शन इनकम्पिटेंस है, या फिर स्मॉल सिफेलिक वेन एंड स्फिनो फ्यूमरल जंक्शन इनकम्पिटेंस है, तो इन दोनों के सम, इन दोनों जब इस केस में ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं यार,
ट्रेंडलन बग प्रोसीजर करते हैं। ट्रेंडलन बग टेस्ट होता है या ट्रेंडलन बग प्रोसीजर है? ट्रेंडलन बर्ग प्रोसीजर, ट्रेंडलन बर्ग प्रोसीजर में क्या करते हैं, फ्लश लाइगेशन करते हैं और है ना स्फीनोफ्यूमरल जंक्शन या फिर स्फीनोफ्यूमरल जंक्शन या फिर स्फीनोपोपलीटल जंक्शन पे फ्लश लाइगेशन करते हैं। फ्लश लाइगेशन ऑफ स्फीनोफ्यूमरल जंक्शन और स्फीनोपोपलीटियल जंक्शन, ठीक है, एज नियर जितना पास हो सके, है ना। सपोज करो ये हमारे पास आर्टरी जा रही है, ये यहाँ पे हम इसको लाइगेशन करेंगे। ऑल्सो डजेंट इंक्लूड स्ट्रिपिंग यार, ठीक है, रिमूवल ऑफ द वेन नहीं आता इसके अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? इट इज एंडोवीनस लेजर थेरेपी। ना या फिर हम क्या कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। किस केस में भाई? सुपरफिशियल स्पिनो सुपरफिशियल सेफनस वेन एंड स्पिनोफ्यूमरल जंक्शन इनकम्पिटेंस के केस में, ठीक है। अगर हमारे पास परफोरेटस इनकम्पिटेंस है, तो क्या करेंगे भाई, हमारे पास डॉड क्रॉकेट सर्जरी, मल्टीपल सब फेशियल लाइगेशन करते हैं। सब फेशियल एंडोस्कोपिक परफोरेटर सर्जरी कर सकते हैं यार, है ना। और क्या कर सकते हैं, एंडोवीनस ग्लू थेरेपी कर सकते हैं इस केस के अंदर, या फिर दोनों केस में कर सकते हैं, ठीक है। फोम स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं दोनों केस में। दोनों मतलब क्या, परफोरेटर इनकम्पिटेंस एंड एस जी एस वी एंड एस एफ जी इनकम्पिटेंस में, तो ये तो करना ही है इसको, तो एडजुवेंट। इसके साथ साथ क्या क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ हमारे पास ये सर्जरी वर्जरी ट्रीटमेंट तो ठीक है, इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास उनको बोलेंगे कि देखो यार आप क्या करना, आप जो है ना कंप्रेशन गारमेंट्स पहनना, ओके और ड्रेसिंग के लिए एडवाइस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट दी मैनेजमेंट यार, इन्वेस्टिगेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल फीचर्स, इटियोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ वेरिकोस वेन। डेफिनेशन मतलब होता क्या है वेरिकोस वेन, देखो टॉर्चर्स हो गए ना यहाँ पे।